पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फिल्म्स, बिकॉज कलेक्टिवली आई थिंक नाउ वी हैव 70 मिलियन व्यूज। और ये जो फिल्म आप देखने वाले हैं मदर इंडिया, दिस इज ट्रूली वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई थिंक कि पूरी जिंदगी में हम लोग बचपन से लेके वो मरने वाले दिन तक प्रेशर में रहते हैं, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी अपने दोस्तों का प्रेशर, कभी माँ का प्रेशर, बाप का प्रेशर, नेबर का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर होता है। हमेशा हम अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के सपने को पूरा करने के लिए जीते हैं। तो आई थिंक ये मदर इंडिया वो फिल्म है जो मैंने अपने दिल से बनाई है, कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस जीवन को जीने में ही अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वॉच मदर इंडिया, एंजॉय इट, एंड वंस अगेन ह्यूज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फिल्म्स। आप हमें अपना प्यार दीजिए और व्यूज़ दीजिए, और हम आपको हर हफ्ते, हर महीने एक नई फिल्म देंगे। शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ आपको? अरे ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे पाँव भी छू रहे हो। माँ क्या हुआ? माँ सर क्या हुआ? माँ बहुत ही सीरियस केस है, शी हैज वेरी लेस टाइम ऑफ हर लाइफ, कैन बी 4 hours, 4 minutes, और इवन 4 days। क्या बोल रहे हो सर? माँ माँ क्या हुआ? माँ क्यों रो रहे हो आप? माँ हाँ बताओ क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कितनी अच्छी लाइफ लीड की है आपने, आप 75 के हो और ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है। माँ क्या हो गया? नहीं पुष्पू, नहीं, सब कुछ नहीं पुष्पू, एक पोता हो जाता तो सब ठीक था मेरे पुष्पू। मैं अपने पोते को अपनी छाती से लगाकर इस दुनिया से चैन की नींद सो जाती, मर जाती, चली जाती पुष्पू। मेरी आँख की ख्वाहिश थी कि मेरा पोता होता, उसको देख के मैं मर जाती, आखिरी ख्वाहिश थी मेरे पुष्पू। अरे वो नहीं हुआ तो क्या हुआ माँ, बाकी सब तो हुआ ना, घर हुआ, परिवार हुआ, बच्चे हुए, और ये मास्क लगाओ माँ, क्या क्या ड्रामा लगा रखा है आपने। अरे छोड़, मास्क को छोड़, मेरा ऑक्सीजन तो मेरा पोता होता, मेरा पोता होता आज तो मैं उसे देख के ना हैप्पी हैप्पी मर जाती, और ना अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दुनिया को ना सैड सैड छोड़ के जाना पड़ेगा पुष्पू। मेरी लाइफ बिल्कुल कंप्लीट नहीं लग रही है पोते के बिना। पुष्पू पोता होता ना तो देख मैं उसको कितने डांट लटाती, मगर अब कुछ नहीं, पोते के साथ मैं हैप्पी हैप्पी जाती दुनिया से, मगर अब नहीं पुष्पू, मैं तो बहुत सैड जा रही हूँ, मर रही हूँ बिना पोते के पुष्पू। बहन की चूत बावली हो गई हो तुम। एक बात बताओ, हमारे पैदा होने के पहले हमारा नाम सोच लिया था क्या? पुष्पिंदर,
कौन रखता अपनी इकलौती औलाद का नाम पुष्पिंदर? पता है लोग मजाक उड़ाते मेरे नाम का, कभी पुष, कभी पुल, कभी पोपलू, कभी पोपू। साला ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती पैदा हुई है, लौंडे का नाम लग दिया पुष्पिंदर। एक बात बताओ, आपने और पिताजी ने किस प्रकार का गांजा मारा था जो हमको पैदा कर दिया और साला बड़ा करके बावर्ची बना दिया? स्कूल के टाइम पे झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन करो, और क्या बोलते हैं, कोचिंग जाने के टाइम पे, वीडियो गेम खेलने के टाइम पे आपके घर का खाना बनाओ। हमें तो ऐसा लगता है आपको लड़का नहीं, आपको लड़की चाहिए थी। कौन उछालता अपने लड़के की इज्जत बीच बाजार में? आपने कहा बावर्ची इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, लड़का बावर्ची बन गया। आपने बोला लड़का के रेस्टोरेंट खोल लो, बेटे ने रेस्टोरेंट खोल लिया यहीं पर। उसकी बोला बेटा बड़ी गाड़ी ले लो, बेटे ने बड़ी गाड़ी ले ली माँ के लिए ईएमआई पर। बोला बेटा घर ले लो, बेटे ने माँ के लिए बंगला ले लिया ईएमआई पर। पर अब साला ऐसा लगता है हम तो पुरुष ही नहीं है, क्योंकि जो आता है एटीएम की तरह पैसा निकाल के चला जाता है हमारे यहाँ से। और रही बात मेरे रेस्टोरेंट की बावर्ची की, तो बावर्ची तो तुमने मुझको रखने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि तुम कहती हो दुनिया को अपने हाथ का जादू दिखाओ, अपने हाथ का जादू दिखाओ। क्यों दिखाओ अपने हाथ का जादू? है घंटा, अपने हाथ का जादू दिखाओ। एक बात बताओ, तुम्हारी मर्जी की क्यों चलेगी माता राम, मेरी मर्जी की क्यों नहीं चल सकती? है एक तो ये साला बंदर का बच्चा दे दिया है मुझको शादी करने के लिए। एक बात बताओ, अरेंज मैरिज क्यों नहीं होने दी मेरी? है खुद ने जब गाड़ी खरीदी, वो बड़ी वाली गाड़ी खरीदी, तो 3-4 बार उसका ट्रायल लिया था ना, तो मेरी अरेंज मैरिज क्यों करा दी? यही होता है arrangedula.com से शादी करने में। इसकी जो डीपी थी ना फिल्टर वाली, उसमें कुतिया का पोस्टर लगा रखा था इसने, कुतिया ऐसी जीभ निकाली हुई। और रही तुम्हारे जी, मैं आपको हाय रब्बा, जो इतना टाइम शादी में जा रहा वो सब परेड था। नहीं ऐसा है कि इस गाड़ी की सर्विसिंग नहीं भी कराओ ना, तो भी गाड़ी चलती रहती है, तो तुम भी चलती रहो। जिस दिन बन पड़ जाओ बता देना, मैं उतर के चला जाऊंगा, क्योंकि धक्का मारने लगते तुम हो नहीं। और रही तुम्हारी बात, तो तुम तो मेरे लिए लड़की इसलिए नहीं ढूंढ पाई क्योंकि तुम बिजी थी रॉकी मल्होत्रा के साथ गुलछर्रे उड़ाने में, है ना, डॉक्टर डॉक्टर खेलने में, डॉक्टर डॉक्टर खेलने में। एक बात बताऊं, सच तो ये कि आपने मुझे इतना दबा दिया लोन्स और लेवल की एंजाइटी में कि मेरी रगों में खून ही नहीं दौड़ता, तो ना मैं खड़ा हो पाता हूं, ना मेरा खड़ा हो पाता है। और एक बात बताओ कि आपको पोते को ही गले लगा के क्यों रोना है? पोती को गले लगाने में कौन सी माँ चुट जाएगी? एक बात बताओ, है क्योंकि पोता होगा तो दहेज आएगा, पोती होगी तो दहेज जाएगा, पोता होगा तो पूरा गाँव खाना खाने आएगा, पोती होगी तो पूरे गाँव को खाना खिलाना पड़ेगा। आप जैसी लालची औरतों के कारण इन जैसी लालची औरतें पेट में लड़कियां मार रही हैं, और हम जैसे स्मार्ट टैलेंटेड और रणवीर सिंह लुकिंग लड़कों को ना इन बंदर के बच्चों से शादी करनी पड़ती है। नहीं करना बच्चा पैदा, नहीं करना, जो करना है कर दो, जितना जमीन के ऊपर खड़ा हो ना उतना नीचे गा दो, सर पे नाच लो, 4 मिनट के 4 सेकंड में मर जाओ। नहीं करूंगा मैं बच्चा पैदा किसी भी कीमत पे, नहीं करूंगा मैं, नहीं करना। हमारे प्रोफेशन का कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है साला, कैसे बच्चा पैदा किया? पुष्पू खुराना, सब हटा इसे, हटा, सारा प्लान फ्लॉप हो गया, जल्दी कर। आई 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 ये हट, रवीना सुनीता आंटी को फोन करो और उनसे पूछो कि वो लंच पे आ रही है कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, लाके मेरा पर्स दो, जल्दी इधर आओ, मेकअप करूं मैं अपना, बस फोन कर सुनीता आंटी को, वो लंच पे आ रही है कि नहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं हेल्प कर ले ऑफ खुराना। हाँ आंटी, अरे छोड़ ये, मैं कर सकती हूँ, जा जाके मेरी चप्पल लेकर आ। ले खुराना, आई विल डू इट खुराना, ले ऑफ। और सुनो, ये सारा सामान ठीक से मेरे घर पे पहुंचा देना, एंड बिहेव योरसेल्फ। बहुत भूख लग रही है, तुमने सुनीता आंटी को बोल दिया था ना टाइम से आने के लिए? बहुत भूख लग रही है भाई, इसके बाद शॉपिंग के लिए भी जाना है। और सुनो, मेरा एक काम करना तुम, वो क्या है वो जो नई टेक्निक लिख रही है, सरो सरो, अरे वही जो शाहरुख खान ने अभी बेबी के लिए करा है सरोगेट, उसके बारे में तुम पूरी रिसर्च करके मुझे बताना, कहाँ कहता है, कैसे होता है। ओके? हाँ मम्मा, बट कैसे मम्मा, वो तो डिवोर्स करने की बात कर रहे हैं। बट मम्मा, मेरा तो सच में बच्चा पैदा करने का मन था। हाँ हाँ, आई नो इट, तू बस टेंशन मत ले, वो तो सपने में भी डिवोर्स का नहीं सोचेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तू बस एक बच्चे का जुगाड़ कर ले, क्योंकि हमारे पुष्पू से कुछ ना हो पाएगा। हेलो पुष्पू, फ्रूटी लाए हो? पुष्पू ठंडी है ना, चिल्ड, कैन आई हैव इट? और वो जो तुमने गाजर का हलवा अपने हाथों से बनाया है ना, उसको जरा तुम रॉकी अंकल के घर जाके दे दो। ओके पुष्पू, नाइस पुष्पू, बाय पुष्पू, लव यू पुष्पू। Thank you.
Thank you.